मैं फौद कासमानी, आप देख रहे हैं टुडेज वॉइस न्यूज। मुंब्रा में समाजवादी पार्टी का जन आक्रोश मोर्चा। महाराष्ट्र सरकार द्वारा बिजली बिल में तकरीबन 37% बढ़ोतरी की गई है, इस वजह से समाजवादी पार्टी ने मुंब्रा में आज जन आक्रोश मोर्चा रखा था। देखिए किस तरीके से किया गया ये मोर्चा, हमने समाजवादी के लोगों से बात भी की, देखिए उन्होंने क्या कहा। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, मोहतम खान जिंदाबाद, मोहतम मामा जिंदाबाद, हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में, मामा मोहतम आगे बढ़ो, मामा मोहतम आगे बढ़ो, मामा मोहतम संघर्ष करो, मोहतम मामा संघर्ष करो। जानकारी अभी 37% बिजली दर में बढ़ोतरी कर दी गई है। ये सरकार को MSEDCL का प्रस्ताव भेजा गया है कि 37% बिजली दर को बढ़ाया जाए। इसके विरोध में हमारे नेता ने, जनाब अबू आसिम आजमी साहब ने सदन में आवाज़ उठाई है। आज इसी क्रम में वो महावितरण केंद्र प्रकाशगढ़ में बांद्रा में आज वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी क्रम में आज समाजवादी पार्टी के सिपाही सब यहाँ पर आज मोपरा में भी प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये बिजली दर वापस ली जाए। आप बता रहे 37% जो है बढ़ाया जा रहा है महाराष्ट्र सरकार द्वारा, तो आप लोग आंदोलन के अलावा और भी किस तरह के जो है इस पर कदम उठा रहे हैं कि ये वापस लिया जाए? भाई ये सबसे बड़ा हमारे नेता ने सदन के अंदर आवाज़ उठाई है, जो कि सबसे बड़ी आवाज़ महापंचायत में उन्होंने कहा है, तो ये सबसे शुरुआत हमने वहाँ से कर दिया है। दूसरा, आज हमने रोड पर प्रदर्शन किया है, उनके सामने महावितरण केंद्र पर हमने प्रदर्शन किया है और हमारा ज्ञापन आज मुख्यमंत्री साहब को यहाँ जाएगा, हम ज्ञापन लेकर के आज यहाँ पे सीनियर साहब के माध्यम से वहाँ भिजवाएंगे। इसके बाद जो भी आदेश होगा, जो लड़ाई लड़नी होगी, मोहतम खान मामा साहब हमारे नेता हैं, हम इनको लेकर के मुंब्रा और थाना की सड़कों पर जिस तरह का आंदोलन की जरूरत पड़ेगी, आप समाज को हमारे लोगों को हम आगे बढ़ेंगे। 37% बिजली का बिल बढ़ने की वजह से किस तरह की जो है दिक्कतें आ सकती है और कितने इफेक्ट इस पे लोगों को पड़ सकता है अगर ये वापस नहीं होता है? ये नहीं वापस होता है तो आप समझ लीजिए कि जो 500 की बिजली, 5000 4000 का जो बिल आता था, 37% उस पर जोड़ दीजिए, बढ़ जाएगा। आज हालात ये हैं कि आज जो है 5000-7000 अपने घर का किराया आदमी देता है, बच्चों के फीस देता है, राशन खरीदता है, बिजली के बिल इतनी दे रहा है, कहाँ से वो क्या खाएगा, क्या बिजली के बिल देगा, क्या मकान का किराया देगा, क्या अपने बच्चों को पढ़ाया जाएगा, क्या ये देश अपने देशवासियों को आगे बढ़ाने विकास के लिए काम हो रहा है? ये सरकारें लूट रही हैं, तबाह करने के लिए, देश के लोगों को, जनता को तबाही के दहाने पर खड़ा करें, मरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मौजूद भाई, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आप विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं? सामने से हम लोगों ने ये देखा कि किस आधार पर ये बढ़ा रहे हैं और महंगाई और बढ़ रही है, पर कैपिटा अगर आय बढ़ती है तो उस हिसाब से सरकार जो है वो बढ़ाती है रेट, हर चीज़ों को बढ़ता है सरकार बढ़ाती है, मगर यहाँ पे कोई भी चीज़ बढ़ी नहीं है, हर चीज़ घटी है और प्रदेश हमारा जो है कर्ज में डूबा हुआ है, तो किस आधार पर ये बढ़ा रहे हैं? इस पर हमारे नेताओं ने वहाँ सवाल किया है और मुंब्रा के समाजवादियों ने आवाज़ उठाई थी, जहाँ यहाँ पर हमारे कारपोरेटर और विधायक भी नहीं है, हमारे दूसरी जगह के विधायकों ने वहाँ पर आवाज़ उठाई और यहाँ के विधायक जो थे, जहाँ की यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ का विधायक गायब था सदन से, तो हम लोगों ने ये सोचा कि लोगों की आवाज़ बन के हम सड़क पर उतरेंगे और यहाँ पर आंदोलन करेंगे। हमारे नेता अबू आसिम आजमी साहब वार्ता पे आप लोग को मालूम होगा वहाँ पर कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं, अभी हम लोगों ने शुरुआत की है, अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम आगे आइंदा इंशाल्लाह सड़कों पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। जिस तरह से मुंब्रा शहर में बिजली बिल की काफ़ी समस्या है, टोरेट पावर को लेकर लोग एतराज़ जता रहे हैं कि बिल ज़्यादा आया है, लेकिन अभी 37% जो वृद्धि की गई है, इससे फिर और असर पड़ेगा? वृद्धि नहीं होने दिया जाएगा, हम लोग सड़क उतरेंगे, इसी पे लड़ाई है, अभी उन लोग को इंडिकेट किया जा रहा है, हमारे नेता जो है बांद्रा में है, हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, समाजवादी लोग आवाज़ उठा रहे हैं, अगर नहीं होगी तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, जहाँ तक हो सकेगा इसको हम लोग होने नहीं देंगे, किसी भी हालत में नहीं होने देंगे, उसके लिए चाहे हम लोग को कुछ भी कुर्बानी देनी होगी, हम लोग हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। ये थी हमारी आज की न्यूज़। आगे की न्यूज़ के लिए जुड़े रहें, देखते रहें टुडेज़ वॉइस न्यूज़।